दोस्तों अगर आपके फोन में बैटरी और इंटरनेट दोनों ही जल्दी खत्म हो जा रहे हैं ना, तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों आपके फोन का क्रोम ब्राउजर। क्योंकि क्रोम ब्राउजर के ही अंदर ऐसे ऐसे हिडन सेटिंग, ऐसे ऐसे हिडन फीचर होते हैं जिससे हमारे फोन की बैटरी और इंटरनेट दोनों इतना जल्दी सपरचट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब आप यही सोचोगे कि भाई हम क्रोम ब्राउजर को डिलीट करने जाएंगे तो भी ये डिलीट नहीं होगा, तो आखिर इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं, कैसे अपने फोन का बैटरी और इंटरनेट बचाएं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो हिडन फीचर, हिडन सेटिंग है ना, उसे आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपके फोन की बैटरी 3 से 4 दिन तक चलेगी, इंटरनेट पूरा दिन चलेगा, मतलब कि कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। तो आइए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको क्रोम ब्राउजर की हिडन फीचर और हिडन सेटिंग के बारे में बताता हूं जिससे आप अपने फोन की बैटरी और इंटरनेट दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने फोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो 3 डॉट दिए गए हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहीं पे दोस्तों आपको एक एक करके सभी सेटिंग, सभी हिडन फीचर को ऑन करना होगा और किसी किसी को बंद करना होगा। अब जो सबसे पहली चीज है दोस्तों, उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है सेफ ब्राउजिंग, जो कि दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके फोन में स्टैंडर्ड पे सेट होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में भी स्टैंडर्ड पे ही सेट है। तो इसे दोस्तों आपको इनहेंस के ऊपर सेट कर देना है। ये जो इनहेंस वाला फीचर है ना दोस्तों, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो आपके फोन की बैटरी और इंटरनेट दोनों को ही सेव करता है। तो इसे आपको सबसे पहले ऑन कर देना है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे आप अच्छे से सेव ब्राउजिंग भी कर पाएंगे और बैटरी और इंटरनेट को भी सेव कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको यहाँ पर आके कर देना है। करने के बाद जस्ट आपको बैक आना है एंड यहां पे उसके नीचे ही एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी सेकंड नंबर की, जिसका नाम है दोस्तों ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट बंद होता है सभी के क्रोम ब्राउजर में। तो आपको दोस्तों इसे बंद नहीं रखना है, इसे आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने का दोस्तों फायदा यह होगा कि जितने भी बोल सकते हो सिक्योर वेबसाइट है वही आपको दिखाई जाएंगी, जिससे दोस्तों आपका जो डाटा है वो भी सेव रह सके एंड कोई ऐसी वैसी वेबसाइट पे आप ना जा सको, ताकि वहां पे जो फालतू के ऐड आते हैं, वीडियो ऐड, तरह तरह के जो ऐड आते हैं, उससे दोस्तों बैटरी और इंटरनेट काफी ज्यादा खत्म हो जाता है ना। तो आपको ये वाली जो सेटिंग है इसे आपको ऑन करके रखना है। ऑन करने के बाद जस्ट नीचे आना है एंड यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा डू नॉट ट्रैक, ये दोस्तों बंद रहता है आप लोगों के फोन में, तो इसे आपको ऑन करके रखना है। इसे ऑन करने का बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आप क्रोम ब्राउजर को बोल रहे हो कि मुझे ट्रैक ना करो, तो इससे फायदा रहेगा कि आपको कोई भी मतलब कि ट्रैक नहीं करेगा, आप क्रोम ब्राउजर में जो भी अपनी पर्सनल चीजें करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो हमेशा दोस्तों डू नॉट ट्रैक को आपको ऑन करके रखना है। तो यहां पे दोस्तों आपको टोटल 3 सेटिंग करना है जो मैंने यहां पे आपको बता दिया, उसके बाद जस्ट आपको यहां से बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों अब आपको आ जाना है सेफ्टी चेक, आप यहां पे देख लीजिए ये दिया गया है सेफ्टी चेक, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां पे दोस्तों आपको 3 चीजों का सेफ्टी चेक करना है यहां पे, सभी पे मतलब कि बोल सकते हो चेक करना जरूरी है। तो आपको यहां पे सिंपली चेक नाउ का बटन दिया गया है जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये तीनों चेक होंगे एंड तीनों पे ऐसे यस का आइकॉन आ जाएगा। अगर तीनों यस के आइकॉन आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके फोन के क्रोम ब्राउजर में कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर यहां पे किसी पे भी एरर आता है, एरर बना हुआ आता है, तो समझ लीजिए आपको उसे फिक्स करना है। फिक्स नहीं करोगे तो दोस्तों बैटरी और इंटरनेट दोनों ही खत्म होंगे और जो बोल सकते हो क्रोम ब्राउजर में आप पेमेंट वगैरह करोगे उसमें भी दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है। तो हमेशा से दोस्तों आपको ये जो सेफ्टी चेक है इसे चेक करते रहना है, हर हफ्ते में एक बार आपको ये चीज करनी है। उसके बाद आपको यहां से बैक आ जाना है। ये दोस्तों हो गए 4th नंबर की फीचर, ठीक है। उसके बाद जैसे आप 4th नंबर की फीचर के बाद नीचे आते हो यहां पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। आपको पता है दोस्तों क्रोम ब्राउजर में आप कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो बार बार उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, जिससे आपको भी पता है कितना तेजी से हमारे फोन की बैटरी खत्म होती है। बार बार जैसे कि मान लीजिए आपने बंद करके रखा है फोन, जैसे नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन ब्लिंक हो जाएगी, इंटरनेट का यूज होगा, तो ऐसे में दोस्तों हमारे फोन का इंटरनेट और बैटरी तो खत्म हो ही रही है और आपका टाइम अलग से खराब होगा। तो इससे अच्छा है ना दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है इसे आप बंद कर दो, पूरा ही आपको बंद कर देना है। ये नहीं कि यहां पर एक एक दो दो बंद करो, क्रोम ब्राउजर का नोटिफिकेशन लेके आप करोगे भी क्या, कोई मतलब का नहीं होता। तो आपको इसे तुरंत के तुरंत बंद कर देना है, इससे दोस्तों बोल सकता हूं 50% तक आप अपने फोन की बैटरी और इंटरनेट को सेव कर सकते हैं। तो इसे आपको फटाक से यहां से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको बैक आ जाना है। टोटल हमने दोस्तों 5 सेटिंग के बारे में जान लिया है। उसके बाद दोस्तों जो 6
नंबर की सेटिंग है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है थीम। आपको पता है मोस्टली लोग दोस्तों अपने फोन का जो क्रोम ब्राउजर है इसे लाइट थीम पे यूज करते हैं, जिससे उनके फोन का जो बैटरी है वो कितना जल्दी कंज्यूम होता है आप समझ भी नहीं पाते। इंटरनेट जब भी आप क्रोम ब्राउजर में यूज करते हो ना तो दुगनी तेजी से आपका फोन का बैटरी खत्म होता है। तो उसे दोस्तों बंद करने के लिए आपको सिंपली इसे डार्क थीम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डार्क थीम जैसे एक्टिवेट हो जाएगा ना, आपके फोन की बैटरी बोल सकते हो 60-70% से होगा, मतलब कि जब भी आप अपने फोन में इंटरनेट चलाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर आके कर लेना है। जो जो मैं यहाँ पे सेटिंग बता रहा हूँ गाइस, एक भी सेटिंग फालतू की नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ जिसे आपको सीरियसली लेना है एंड अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में बंद करना है। बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिया गया साइड सेटिंग जहाँ पे दोस्तों आपके फोन का कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, नोटिफिकेशन एंड हर एक चीज दिया गया रहता है। तो यहाँ पर अगर आप सभी को मतलब कि बोलते हैं ना परमिशन दे के रखे हो तो आपको याद रखना है कि आप रिस्क में हो। आपको दोस्तों देखना है कि किस किस वेबसाइट पर आपने परमिशन दे रखा है कैमरा का, किस किस वेबसाइट पर दोस्तों आप लोगों ने परमिशन दे रखा है माइक्रोफोन का, ये सभी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको आके चेक करना है। अगर कोई भी गलत वेबसाइट लगे तो उसे दोस्तों आप यहाँ से बंद कर सकते हो। जैसे कि कैमरा का ये साइट मुझे सही नहीं लग रहा है तो इसे दोस्तों आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करने के बाद ये वेबसाइट हमारे फोन का कैमरा यूज नहीं कर सकती, नहीं तो कई बार हम ऐसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो हमारे फोन का कैमरा वगैरह यूज करके हमारी पर्सनल वीडियो बना लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है ना गाइस। तो ये सभी चीजों से बचने के लिए आपको ये जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पे, इन सभी को यूज करना है ध्यान से। जिसको जरूरत है उसे आप अलाउ कीजिए, जिसकी जरूरत नहीं उसे आप ब्लॉक कर दीजिए। इतना काम आपको करना है, मैं सभी का यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यही सभी सेटिंग है दोस्तों जिसे अगर आप अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आपके फोन का बैटरी और इंटरनेट दोनों ही काफी ज्यादा सेव होगा और काफी लंबे समय तक आप अपने फोन का बैटरी और इंटरनेट चला पाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।